रुक कर अगली खबर की ओर। खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां पर धान खरीदी के साथ ही धान परिवहन को पारदर्शी बनाने के लिए सभी ट्रकों पर जीपीएस डिवाइस लगाई जा रही हैं। मार्क फेड ने जीपीएस से निगरानी करने का ठेका हैदराबाद की ट्रांस ग्लोबल कंपनी को दिया है, जो इन दोनों ट्रकों में जीपीएस लगाने का काम कर रही है। महासमुंद जिले में धान परिवहन के लिए लगाए करीब 500 ट्रकों में जीपीएस लगाए जा चुके हैं, जिससे धान खरीदी केंद्रों से धान की लोडिंग होने के बाद संग्रहण केंद्र और राइस मिल तक पहुंचने के दौरान ट्रकों की निगरानी की जा सकेगी। किसान भी इस व्यवस्था को पहले की तरह होने वाली चोरी रोकी जा सकेगी। लगाने से कहाँ पे गाड़ियां जा रही है, कहाँ व्यापारी ले जा रहा है, कहाँ अनलोड किया जा रहा है, कहाँ तक उसकी दूरी है, कहाँ तक उसको पहुंचना है, उसका जो परमिट है, परमिट कहाँ का कटा है और कहाँ जा रहा है, वो जीपीएस से यहाँ जो उसका वार रूम है, वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम से वो देख सकते हैं। लगभग 400 ट्रांसपोर्टर के द्वारा ट्रक ऑफर किए गए हैं और इसमें अभी तक 225 जीपीएस जो है ना फिटमेंट के लिए आज पूर्ण हो जाएगा। अभी मैं रिपोर्ट ले लूंगा 225, और मुझे अगले एक या दो दिन के अंदर का हमारे टोटल ट्रांसपोर्टिंग की जीपीएस कंप्लीट हो जाएगी। मिलिंग के लिए मिलर भी ऑफर करना स्टार्ट करेंगे। रेखराज साहू मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रेखराज, ट्रकों के अंदर जीपीएस लगाना कितना कारगर साबित होगा प्रशासन के लिए? जी बिल्कुल कारगर साबित होंगे, क्योंकि किसान और जो है बाकी लोग बता रहे थे कि पहले जो है जीपीएस नहीं होता तो चोरियां होती थी, रूट डाइवर्ट हो जाता था ट्रकों का, वो रूट डाइवर्ट नहीं होंगे और निर्धारित समय पर और जहां पहुंचना है ट्रक जो है लोडिंग माल को लेकर के वहां पर पहुंचेंगे। आपको मैं थोड़ा सा जानकारी बता दूं कि जो है 400 ट्रकें पर जो है इस बार जीपीएस लगाया गया है और तकरीबन जो है यहाँ जीपीएस कारगर साबित हो रहा है। जहाँ पर लोडिंग हो रहा है वहाँ पर से जो है ट्रक निकल रही है और निर्धारित जगह पर रूट अपना तय कर रही है। जो चोरी के ट्रक चोरी की जो आंकड़े अक्सर सामने आते रहते दिख रहा है, जिसमें भी गिरावट देखने को मिलेगी जीपीएस के बाद, ट्रकों की ट्रैकिंग की जा सके कि कौन सा ट्रक कहाँ है, किस लोकेशन पे है, कहाँ चल रहा है? जी 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 बिल्कुल, जो रास्ते पर जो है माल जो है उतरता था वो नहीं होंगे, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस में जो जो है जीपीएस जो है ट्रैक डिवाइस वहां पर लगाए हुए है वो मॉनिटरिंग हमेशा कर रही है। और इस पर एक और ऑप्शन डाला गया है कि अगर जो है ट्रक जो है रूट डाइवर्ट होता है तो रूट डाइवर्ट का जो है मैसेज फेल करके वो मैसेज जो है वहाँ पर मॉनिटरिंग कर्ता के पास पहुँच जाएगा और वो निर्धारित समय में उस ट्रक चालक को भी दिशा निर्देश दे सकते हैं जहाँ पर वो ट्रक जो है लगातार जा रही है। रेखराज बने रहिए मेरे साथ। श्रीधर चंद्राकर किसान नेता है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्रीधर जी स्वागत है आपका। जी जी सर। सर ट्रकों के अंदर अब जीपीएस लगाया जा रहा है, कितनी सुगमता इससे आएगी? जीपीएस लगने से सर सबसे पहले चीज तो भ्रष्टाचार रुकेगा। जी जो भ्रष्टाचार मालवाहक गाड़ी में पहले होता था पूर्व में, विपणन विभाग से जाना है उसको 5 किलोमीटर और बिल में दिखाते थे, बिल बाउचर जाता था 10 किलोमीटर का, उससे करोड़ों रुपये की बचत होगी। और दूसरी चीज क्या है, धान की जो हेरा फेरी होती थी जीपीएस सिस्टम लग जाने के कारण माल कहाँ जा रहा है, वाहन कहाँ जा रहा है, कितने किलोमीटर में जा रहा है, उनको डंपिंग कहाँ होनी है। बने रही हमारे साथ विनोद चंद्राकर हैं विधायक, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद जी स्वागत है आपका सुराज एक्सप्रेस पर। नमस्कार भैया। ट्रकों के अंदर अब जीपीएस लगाया जा रहा है, इससे जो धान की हेराफेरी होती थी इसमें कमी आएगी लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार चाहती है कि हेराफेरी सब रुके। पिछले समय हम लोग देखते थे, हमको हम तो इस मामले में बहुत सघन जानते हैं जी, कि ट्रकों में अफरा तफरी होती थी, ट्रांसपोर्टिंग में बड़े मात्रा में घालमेल होता था जी। इस सब को बंद करने के लिए सरकार ने जीपीएस सिस्टम चालू किया है जी, जिससे रोक लगेगी ये धान की जो चोरी होती थी या ट्रांसपोर्ट में जो दूरी के नाम में चोरी होती थी, सब में ब्रेक लगाम लगेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रीधर चंद्राकर किसान नेता है हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। श्रीधर जी, जीपीएस सिस्टम अब लागू हो गया है, कितने ट्रकों में जीपीएस सिस्टम और लगना है, कितने में लग चुका है और इससे कितनी जो धान की चोरी होती थी उसमें गिरावट वाकई में देखने को मिलेगी ऐसा लगता है आपको, आप किसान नेता हैं? जीपीएस सिस्टम तो सर सारे वाहनों में लगनी चाहिए जी, आंकड़े कितने में लगे हैं मेरे पास है ही नहीं, लेकिन जीपीएस सिस्टम सारे वाहनों में लगनी चाहिए। विपणन विभाग में होने वाली अनियमितता,
जी को रोका जा सके और सुगमता से सरकार को सरकार के पास राजस्व बचे और विकास कार्यों में लगे। अभी तक इसके पूर्व में जो हो रहा था कई सौ करोड़ का घोटाला हो चुका है। धान जाना है एक राइस मिल में जाता था किसी और दूसरे जगह जी, और उसके कारण कई हजार करोड़ रुपया का घोटाला हो चुका है। जीपीएस सिस्टम सरकार लगा रही है, इससे निश्चित रूप से सरकार को मालवाहक वाहन का जो मालिक है उसको भी बचत होगा, क्योंकि कई वाहन गायब हो जाते थे, वो वाहन भी बचेंगे, सरकार को धन भी बचेगा और व्यवस्थित रूप से अनुशासित रूप से जीपीएस सिस्टम लगने से फायदा हो सकता है। निश्चित रूप से तो बहुत बड़ी सुगमता अब सरकार को मिलेगी जीपीएस सिस्टम से। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीधर जी हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया रेखराज जुड़ने के लिए। चित्रकूट